रोने की वजह भी न थी न हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टीनेज बच्चों को कैसे हैंडल करें। जब बच्चे छोटे होते हैं तो जैसे तैसे करके पेरेंट्स बच्चों को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, स्पेशली जब वो टीनेज में पहुँचते हैं, तो उनकी बॉडी में बहुत से हार्मोन चेंजेस होने लगते हैं, जिसके कारण बच्चा कभी बहुत खुश दिखाई देता है या तो फिर कभी बहुत दुखी दिखाई देता है। कभी वो किसी बात के लिए अचानक जिद करने लग जाता है या तो फिर किसी बात के लिए बहुत ही आसानी से मान भी जाता है। कभी वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है या तो फिर कभी वो अकेला भी रहना चाहता है। तो ऐसे में पेरेंट्स के मन में यही विचार आता है कि ऐसे समय में हम इसके साथ कैसे डील करें, क्योंकि ना तो वो बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आ सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा नरमी से। क्योंकि ऐसे समय में अगर हम बच्चे को टोकते रोकते हैं तो वो हमें बैक आंसरिंग करने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इनमें से किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, तो आज इस वीडियो में आपको इन्हीं बातों का सल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, आज मैं इस वीडियो में आपको तीन ऐसे टिप्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप अपने बच्चे को आसानी से हैंडल कर सकेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन का बटन ना दबाने से मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा और वो वीडियो मिस हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली टिप आती है, रिस्पेक्ट दी। अपने बच्चे को रिस्पेक्ट दी। आपने देखा होगा कि जिन घरों में हिंदी बोली जाती है उन घरों के बच्चे भी हिंदी बोलते हैं, जिन घरों में पंजाबी, तेलुगु, गुजराती या तो फिर इंग्लिश बोली जाती है उन घरों के बच्चे भी वैसे ही बात करते हैं, और जिन घरों में गाली गलौज देकर बात की जाती है उन घरों के बच्चे भी वैसे ही बात करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपको रिस्पेक्ट दे, तो आपको भी अपने बच्चे को रिस्पेक्ट देनी होगी। ऐसे ही मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार मैं ट्रेन में जा रही थी तो वहां पर मेरे सामने एक लेडी बैठी थी, उसका बेटा हॉस्टल में पढ़ता था। तो वो अपने बेटे से बात कर रही थी, बात करते करते वो बार बार यही कह रही थी, बेटा जी आपने खाना खा लिया, बेटा जी आज आप कितना घंटा पढ़ाई की। तो जब उन्होंने बात करके फोन रखा तो मेरे मन में उन मैम से बात करने की इच्छा हुई और मैंने उनसे पूछा कि मैम, आप ही अपने बेटे को बेटा जी कह के बुलाती हैं, तो आपका बेटा आपको क्या कहता है। तो उसने बहुत ही प्यारा सा आंसर दिया। उसने कहा कि अगर मैं अपने बेटे को एक जी लगा के बात करती हूँ तो मेरा बेटा मुझे दो जी लगा के बात करता है। वो मुझे अक्सर कहता है, जी मम्मी जी मैंने खाना खा लिया, जी मम्मी जी मैंने होमवर्क कर लिया। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपको बैक आंसरिंग ना करे, आपको रिस्पेक्ट दे, तो आपको भी अपने बच्चे को रिस्पेक्ट देनी होगी। इसमें सेकेंड टिप आती है, अपने बच्चे के इमोशन सेंटर में दाखिल हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात माने, तो आपको उसके इमोशन सेंटर में दाखिल होना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं, इसीलिए वो आसानी से हमारी बात मान भी जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो वो अपने इमोशन सेंटर में हमारी जगह अपने फ्रेंड्स, मोबाइल या तो फिर टीवी को ले आते हैं, जिसके कारण वो हमारी बात सुनना बंद कर देते हैं। जैसे आजकल बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे देखा देखी में फौरन जाने की रट लगा के बैठे होते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स जा रहे होते हैं। ऐसे में पेरेंट्स के मन में बहुत दुविधा होती है कि क्योंकि कुछ पेरेंट्स उन्हें फौरन नहीं भेजना चाहते, लेकिन वो अपने बच्चे की जिद के आगे उसे मना भी नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स ऐसे में बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं,
कि बच्चे को समझाएं तो कैसे समझाएं। तो इसके लिए आप बच्चे को, बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्ट हों, उससे बात करें, उसकी सोच को समझें, उस पर कोई भी फैसला नहीं थोपें। क्योंकि अगर बच्चा आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होगा, आपकी बात को समझेगा, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। उसे आप समझाएं कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है या तो फिर कौन सी परेशानी आ सकती है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपके बच्चे के जीवन में ना आए। इसमें आप बच्चे के काम के लिए उसे अप्रिशिएट भी कर सकती हैं। अगर आपका बच्चा कोई अच्छा काम करता है, तो अगर आप उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसके काम को अप्रिशिएट करेंगे, तब भी आप उसके इमोशन सेंटर में दाखिल हो जाएंगे। इसमें थर्ड पॉइंट आता है, बच्चों के फ्रेंड्स से मिले। जब आपका बच्चा टीनेज में होता है, तो वो पेरेंट्स से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स की बात को मानता है, उनकी बात को समझता है। तो आप देखें कि आपके बच्चे के फ्रेंड्स कैसे हैं, उन बच्चों की सोच कैसी है, आपके बच्चे की कंपनी कैसी है। आप खुद भी अपने बच्चे के फ्रेंड बन सकते हैं, उसे कभी लॉन्ग ड्राइव पर ले जा सकते हैं, या तो फिर कभी किसी जगह पर उसके साथ खेल भी सकते हैं। तो इस तरह आप अपने बच्चे के मन की बात को जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी 3 टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने टीनेज बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको दूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बाय।